नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल भोजपुरी गंगा में स्वागत है। खेसारी लाल यादव बाजी मारे और पवन सिंह देखते ही रह गए। नमस्कार दोस्तों, इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। कुछ दिन पहले पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का हमने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में आप सभी को बताया था कि पियर फराक वाली या राजा जी के दिलवा, इन दोनों गाने के ट्रैक पे पवन सिंह का बोलबम गाना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और 99% लोगों का कमेंट आया था कि आना चाहिए गाना। और हमने खेसारी लाल यादव का भी वीडियो बनाकर पूछा था कि आम के स्वाद गाने के ट्रैक पे खेसारी लाल यादव का बोलबम गाना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो बहुत लोगों का कमेंट आया था कि हाँ आना चाहिए। तो फाइनली आम के स्वाद गाने के ट्रैक पे खेसारी लाल यादव का बोलबम गाना आप सभी के बीच आ रहा है कल सुबह 6 बजे। वही बात की जाए पवन सिंह के बारे में, तो कोई अता पता नहीं है कि पवन सिंह का हिट गाने के ट्रैक पे पवन सिंह का बोलबम गाना आएगा या नहीं आएगा। राजा जी के दिलवा या पियर फराक वाली, इन दोनों गाने के ट्रैक पे पवन सिंह का बोलबम गाना आना चाहिए था। देखिए क्या होता है, आता है या नहीं आता है। पुदीना गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था, उस पे बोलबम गाना आया था। और कोको कोला भी हिट हुआ था, उसके ट्रैक पे भी बोलबम गाना आया था। और हिट गाने के ट्रैक पे बोलबम गाना छोड़ना चाहिए था, लेकिन पवन सिंह देखिए क्या करते हैं इस बार। और जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि खेसारी लाल यादव का गाना भांग के स्वाद, ये गाना बहुत ही अच्छा चलेगा। क्या पवन सिंह को जल ढारे जाली, पियर फराक वाली, हरियर फराक वाली, इस तरह का गाना लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।